हाँ तो देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें मैग्नीट्यूड निकालने हैं गिवन वेक्टर्स के। तो हमारे पास फॉर्मूला है सीधा, ये r इज इक्वल टू अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। तो देखिए, i j k के जो कोफिशियंट्स हैं, इसमें एक्स वाई जेड है, और गिवन वेक्टर्स में पहले में 1 1 1 है, और इस तरीके से 2 -7 -3 है, और तीसरे में 1/√3 सबका ही है, लास्ट वाले में -1/√3 है। तो क्या किया गया है कि मॉडुलस जब लिया गया, मैग्नीट्यूड जब निकालना होता है तो सबका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं। तो देखिए, फिर हम अगर इसको लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये मॉड ए वेक्टर हमारा आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये हमारा एक आंसर है। और इसमें देखिए, देखते हैं, ये बी वेक्टर है हमारा 2i कैप -7j कैप -3k कैप। तो मॉड ऑफ बी हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस 49 प्लस 9। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 62 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर ये हमारा कितना है, अंडर रूट 62 है। और सी वेक्टर का अगर हम निकालते हैं, तो सी वेक्टर है हमारा 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये मॉड सी वेक्टर हमारा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मॉड ऑफ सी आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। तो ये हमारे